हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी को मेरे क्लास में स्वागत करता हूँ, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए। आशा करता हूँ आप सभी को लास्ट क्लास से समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके भी आपका जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम नंबर सिस्टम का 5वां पार्ट है। तो लास्ट क्लास से जो भी हो गया, जिस किसी ने भी नहीं देखा, प्लीज़ जाइए लास्ट क्लासेस देख लीजिएगा, और सिंप्लीफिकेशन का भी कंप्लीट हो गया तो वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशंस। अगर कोई नए है मेरे चैनल में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जिस किसी ने भी बेल बटन नहीं क्लिक किया, क्लिक कर लेना, क्योंकि जब वीडियोज़ आते हैं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो समय के बारे में हर रोज़ मैं कहता हूँ, तो कितना कौन कितना फॉलो कर रहा है वो आप ही को पता होगा, ठीक है ना। खुद से खुद कभी झूठ नहीं बोल सकते, दूसरे से कितना भी झूठ कह लो, ठीक है। खुद का जो नुकसान है वो खुद का ही है। मैं कितना भी कह लूँ वो आप लोगों के फायदे के लिए है। अगर आप झूठ कह रहे हो या फिर कुछ नहीं कर रहे हो तो वो तो आपका मतलब नुकसान है, ठीक है। तो देख के समझ के इतना तो मेच्योर्ड हो गए कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए आप प्रिपरेशंस कर रहे हो, तो इतना तो मेच्योर हो गए कि आप कुछ मतलब समझ सकते हो चीज़ों को, ठीक है। अभी तो बच्चे नहीं रहे कोई भी, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। ये सिलेबस है हम लोगों का, और हम लोग ये सिलेबस ख़त्म करते हैं जितना जल्दी हो सके। हम क्या करेंगे, रीजनिंग या फिर जीके स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो फिर, तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने जो भी देखा, क्या क्या देखा, चलिए हम लोग लास्ट क्लास में डिविजिबिलिटी का देखा, ठीक है। तो आज हम यूनिट डिजिट कंसेप्ट देखते हैं। यूनिट डिजिट कंसेप्ट, आप लोग पेन पेपर लेके बैठिए, पेन कॉपी। अगर किसी ने नहीं लेके बैठा, प्लीज बैठ जाइए, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा। ये जीके का वीडियो नहीं है, ये मैथ्स का वीडियो है, एप्टीट्यूड का वीडियो है। आप करके नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे यूनिट डिजिट कंसेप्ट, एंड जो भी 2 डिजिट एंड 3 डिजिट कंसेप्ट है वो देखेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो भी रह जाएगा रिमाइंडर थ्योरम, फिर नंबर नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, फैक्टर्स, ये सारे 2-3 टॉपिक और रह गया, तो उसमें सारा कंप्लीट कर लेंगे। और नंबर सिस्टम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। और अगले वीडियो में क्या करेंगे, इस सारे जितने भी हो गया अभी तक, नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, तो उस नंबर सिस्टम के रिलेटेड जितने भी मतलब मैथ्स है, ठीक है, जितने भी प्रॉब्लम्स है सारा सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो फिर, तो यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट हम लोग क्या क्यों यूज़ करते हैं वो पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा। तो यूनिट डिजिट जो कॉन्सेप्ट है, अगर किसी को नहीं पता यूनिट डिजिट क्या है, वो जो हम लोग एक एक घर के संख्या लेते हैं ना, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं ले लिया 2, 3, 4, 5, तो इसमें यूनिट डिजिट कौन सा है, ये 5 वाला यूनिट डिजिट है, ठीक है, ये वाला यूनिट डिजिट। फिर इसके बाद 4 वाला क्या होगा, ये 10th डिजिट, हम SMS में कहते हैं ना एकक, ठीक है। फिर ये दहक, ठीक है, फिर एकक, दहक, हतक, हजार, औजुत, लाख, ऐसे करके जाते हैं आगे। तो ये वाला जो है इंग्लिश में यूनिट डिजिट कहते हैं, 10th डिजिट कहते हैं, और आगे बढ़ते होते हैं 100 डिजिट, 1000 डिजिट, तो इतना तक ही चाहिए होता है और ज़्यादा नहीं चाहिए होता, ठीक है। तो यूनिट डिजिट कंसेप्ट ऐसे तो नंबर सिस्टम है ही, मैं जैसे हर वीडियो में कहता हूँ कि हर एक चैप्टर से लिंक करता है। कैसे लिंक करता है, कंप्लीट होने के बाद ही आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। ये जो यूनिट डिजिट है ये आपको हेल्प करेगा कहाँ पे, एग्जाम्स पे। एग्जाम्स में मान लो कोई भी एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, कोई भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लोगों को सॉल्व करना है, तो आप लोग क्या करेंगे, जो भी नंबर्स दिया हुआ है उसका यूनिट डिजिट करके, अगर आंसर का यूनिट डिजिट निकल आ रहा है, इसका मतलब क्या, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 10 सेकेंड लगेगा आंसर निकालने में, ठीक है। तो यूनिट डिजिट वहीं पे काम आता है। और वैसे तो नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट है, इसमें से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो चलिए फिर इसका जो डिटेल्स है वो देखते हैं। तो कैसे निकलना है, फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4 × 4, 2, 5 +204 +206, ठीक है। तभी अभी इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, कोई भी अगर देख रहे हो तो इसका यूनिट डिजिट आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा पॉज करके, ठीक है। फिर देखना इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट हम जब भी क्वेश्चंस में पूछा गया कि यूनिट डिजिट आंसर बताइए, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो
तो सिर्फ इसका जो एकक घर का संख्या है उसको करना है सॉल्व, ठीक है, उसको करना है सॉल्व। मान लो यहाँ पे हो गया इंटू करने से, गुना करने से 20, प्लस यहाँ पे प्लस करने से 6 एंड 4 क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, अभी यहाँ पे जो जीरो वाला पार्ट है ये इसका भी यूनिट डिजिट करना पड़ेगा, 0 प्लस 0 आंसर इज 0। तो ऐसे करते यूनिट डिजिट वाला, यूनिट डिजिट करने से जितने भी बड़े संख्या दे दे तो आप लोग सिर्फ यूनिट डिजिट वाला नंबर्स ले, ठीक है। और अगर मान लो पावर में दे दिया, पावर में मतलब एक्स टू द पावर एन, ठीक है, यहाँ पे एक्स मान लो 2 और एन मान लो 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कुछ है, ठीक है, ऐसे अगर दे दिया, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स होगा ये क्या होगा, ये यूनिट डिजिट होगा, ये यूनिट डिजिट होगा, ठीक है, ये यूनिट डिजिट होगा। और तो इसके आगे जितने भी संख्या है वो मैटर नहीं करता, देखो यहाँ पे देखो इसका ये यूनिट डिजिट के आगे जितने भी संख्या है कोई मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ ये भी एक्स पावर में भी आएगा तो आगे वाला क्वेश्चन सुनने में मैटर होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो यूनिट डिजिट होगा वहाँ पे क्या, कौन से नंबर, एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, एक्स का वैल्यू क्या क्या होना सकता है, हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, यही तो हो सकता है यूनिट डिजिट, क्योंकि और कुछ नहीं आ सकता, तो यही सिर्फ आएगा, ठीक है, ये वाला ही आएगा 0 से लेकर 9 तक एक्स का वैल्यू हो सकता है। तो अभी एक्स का वैल्यू 2 है, तो 2 का यूनिट डिजिट का फॉर्म मतलब 2 का जो, अगर 2 एक्स में है, 2 यूनिट डिजिट में है, तो वो कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। अगर 2 रहता है तो ये जो पार्ट है ये पार्ट को, पावर को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, आगे देखेंगे, आपको सिर्फ मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये दो तरीका है, क्योंकि हम लोगों के पास सिर्फ दो ही प्रॉब्लम्स है, एक तो है सिंपल में और एक है पावर में, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं, पहले छोटे छोटे करके पहले फॉर्मूलाज कर लेते हैं कि कैसे होता है, तो वो बाकी बाद में देखेंगे। अभी ये वाला तो आपको पता चल गया, ठीक है, ये वाला पार्ट तो आपको पता चल गया कि इसका यूनिट डिजिट करना है, ठीक है। तो पहले इससे इसका स्टार्ट करते हैं, एक्स टू द पावर एन से, ठीक है, चलो पहले आप लोग लिख लो यूनिट डिजिट ऑफ एक्स टू द पावर एन, ठीक है, यूनिट डिजिट ऑफ एक्स टू द पावर एन। तो ये जो एक्स टू द पावर एन है, ये एन क्या है, ये है पावर, ठीक है, और ये एक्स क्या है, एक्स है नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट वाला जो नंबर है वही है, ठीक है। इसमें क्या क्या होना हो सकता है, यूनिट डिजिट फॉर वैल्यू ऑफ एक्स भी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लेकिन एन का वैल्यू पावर में कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है पावर में, लेकिन एक्स में ये यूनिट डिजिट है ना एक्स, तो एक्स में क्या हो सकता है, 0 से लेकर 9 तक हो सकता है, 10 नहीं आएगा, 10 आ गया तो यूनिट डिजिट 10 का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस एक्स में 0 से लेकर 9 तक आएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे सबको अलग अलग, सबका अलग अलग तरीका है निकलना, ठीक है। अगर केस 1, इफ यूनिट डिजिट और एक्स इज, यूनिट डिजिट या फिर एक्स इज 0, 1, 2 एंड 1, 2 नहीं, सॉरी, 0, 1, 2, 1 एंड 5, 6, ठीक है, 2 लिख दिया जैसे दिख दिख के हो रहा था ना। तो इफ एक्स
इज 0156, ठीक है, 0156 अगर है, ठीक है, अगर यूनिट डिजिट या फिर एक्स 0156 है यहाँ पे एक्स में, तो क्या होगा आंसर? आंसर हमेशा आंसर इज शुड बी 0156 होगा, ठीक है। इफ यूनिट डिजिट और एक्स इज 0156 देन आंसर इज शुड बी 0156। मतलब यूनिट डिजिट में पावर कितना भी बड़ा हो, कुछ भी हो, अगर एक्स का वैल्यू 0156 है तो क्या होगा आंसर? हमेशा 0156 ही देगा, अगर यूनिट डिजिट निकालने के लिए दे रहा है तो यही होगा, ठीक है। तो 0 to the power n, मतलब पावर n इज एनी नंबर यूनिट डिजिट, क्या होगा? 0 होगा। वन का पावर n, n इज एनी नंबर यूनिट डिजिट 1, सेम 5 का भी वही होगा, एनी नंबर यूनिट डिजिट 5। 6 to the power n, n इज एनी नंबर यूनिट डिजिट शुड बी 6। तो कुछ भी हो पावर, ठीक है, अगर यूनिट डिजिट में 0156 है, ये देखो मैं किसके बारे में बता रहा हूँ, जिसका पावर है, मैं जिसका पावर है उसी के बारे में बता रहा हूँ, वो वाला नहीं जो पहले वाला कंसेप्ट मैंने दिखाया, ठीक है। जो पावर है, पावर वाला कंसेप्ट, मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट ऑफ एक्स टू द पावर एन लिखा, तो इस फॉर्मेट में अगर कोई है, ठीक है, एक बार देख लेना, फिर बताना मत कि अरे ये तो अलग हो रहा है, ठीक है, ये पावर वाला मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पावर केस वन में अगर 0516 है, 0156 है तो यूनिट डिजिट में, तो आंसर हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा? 0156 ही होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो एग्जाम्पल्स एक लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल्स करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, वन टू नाइन फोर फाइव, ठीक है, टू द पावर 2 4 2 8 9 8 6, ठीक है। अभी इसका यूनिट डिजिट निकालना है, ये एक्स, ये क्या है एक्स है, और ये वाला क्या है एन है, ठीक है। अभी ये एक्स एक्स बाय एन फॉर्मेट में है, तो इसका इसका यूनिट डिजिट में देखो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इसका आंसर डायरेक्ट आप क्या लिखोगे? 5 लिखोगे, खत्म बात, ठीक है। फिर और एक एग्जांपल देता हूँ, टू नाइन थ्री फोर वन पावर पावर थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 3 5 7 8 9, तो इसका यूनिट डिजिट में अगर आप देख रहे हो 1, तो इसका आंसर डायरेक्ट आप 1 लिख देंगे, ठीक है, समझ में आएगा सभी को? किसी का कोई डाउट कमेंट सेक्शन में डाल दो, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं, हम लोगों का क्या क्या हो गया, हम लोगों का 0156 हो गया, अभी रह गया क्या, 2 3 4 7 8 9, तो अभी हम देखेंगे 4 और 9 का, ठीक है, 4 एंड 9 का केस वन देखा था हम लोगों ने, इफ यूनिट डिजिट ऑफ, तो केस टू, इफ एक्स इज 4 और 9, अभी हम 4 और 9 का देखेंगे, बाकी जो भी रह जाएगा उसका देखेंगे अलग से, ठीक है। इफ एक्स इज 4 और 9 और नंबर्स यूनिट डिजिट
अगर 4 और 9 होगा तो, ठीक है, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट में 4 और 9 होगा तो, ठीक है, तो 4 और 9 का देखते हैं क्या होता है। पहले 4 का देख लेते हैं, तो x टू द पावर n, इफ x यूनिट डिजिट, इज 4, तो 4 अगर होता है तो 4 का पावर, या फिर 4 का पावर अगर इवन है, ठीक है, 4 का पावर अगर इवन है तो क्या होगा, हमेशा आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग देखेंगे, देख रहे थे कि एक्स में अगर 0156 हो रहा है तो पावर कुछ भी हो तो क्या होगा, 0156 ही होगा। अगर 4 के एक्स के जगह पे 4 हो रहा है, ठीक है, और इसके पावर इवन है, तो इवन होने से क्या आ जाएगा, 6, ठीक है, यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। अगर 4 के पावर ऑड है, ठीक है, अभी पावर 2 ही हो सकता है, इवन और ऑड, तो इवन होगा तो 6 होगा और ऑड होगा तो 4 होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, इवन पावर 4 का छोटा एग्जाम्पल, छोटा इवन पावर क्या होगा, 2 होगा, तो 4² क्या हो जाएगा, 16, तो 16 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 6, तो आया 6। अभी 4 का पावर 4 भी ले सकते हो, 4 का पावर कुछ, इवन जितने भी पावर हो सकता है आप लेके देखो, ये हमेशा 6 ही देगा, ठीक है। और ऑड का पावर, सबसे छोटा पावर हम लेते हैं, 4 टू द पावर 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, 4 का पावर 1 4 ही होगा, तो हमेशा ऑड पावर हमेशा 4 देगा और 4 का इवन पावर हमेशा 6 देगा, ठीक है। तो कोई भी आप उठा लो तो यही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, x टू द पावर n, इफ x यूनिट डिजिट इज 9, तो अगर 9 है यूनिट डिजिट में, ठीक है, और 9 के पावर इवन होगा तो आंसर इवन यूनिट डिजिट क्या देगा, 1। फॉर एग्जांपल 9 के इवन पावर, छोटा इवन पावर लेता हूँ, 2, तो 9² क्या हो जाएगा, 81, तो 81 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 1। तो हमेशा याद रखना, अगर 9 के पावर इवन होगा तो 1 देगा, और ऑड होगा तो बताइए, 9 के पावर ऑड होगा तो क्या होगा, 9 के पावर ऑड होने से क्या होगा, ओ सॉरी, हाँ ऑड होने से 9 देगा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सोच रहा इवन, अरे ऑड में कैसे मैंने वो लिख दिया, तो ऑड पावर 9 के छोटे से छोटा लेते हैं 1, तो 9 पावर 1 होगा तो 9 ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। पहले वाला हम लोगों ने 0156 निकाला, और अभी जो है क्या है, 4 और 9 का निकाल दिया, ठीक है। तो आशा करता हूँ सभी को ये यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। किसी का कोई डाउट हो प्लीज़ फिर से रिपीट करके देख लेना, या फिर कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं फिर से आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो एक्स 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 का वैल्यू अगर 4 होगा तो उसका पावर कुछ भी होगा, लेकिन इवन देखना पड़ेगा और ऑड देखना पड़ेगा। अगर इवन होगा तो क्या होगा, इवन होगा तो 6 होगा और ऑड होगा तो 4 होगा, हम लोगों ने एग्जाम्पल्स लेके देखा। और 9 के पावर अगर इवन हो रहा है तो 1 देगा यूनिट डिजिट, और ऑड होगा तो 9 ही देगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम सारा एग्जाम्पल्स करेंगे, आप लोग सिर्फ समझिए चीज़ों को, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है फिर बताइएगा, मैं फिर से आप लोगों को रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, चलो फिर। चलो ठीक है, केस सेकंड हो गया, अभी देखें केस थर्ड। केस थर्ड, ठीक है, केस थर्ड में अभी जो रह गया हम लोग का क्या हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, और 4 और 9 हो गया। अभी रह गया क्या, 2, 3, 7 एंड 8, ये 4 डिजिट रहेगा। अगर ये होगा तो क्या होगा, ठीक है, ये होगा तो क्या होगा, तो देखते हैं क्या होता है इसका, केस थर्ड में।
इफ एक्स वैल्यू और यूनिट डिजिट इज टू थ्री टू और थ्री और सेवन और एट, इसमें से कुछ भी हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, सेवन हो सकता है, एट हो सकता है, ठीक है। एक्स का वैल्यू, ठीक है, एक्स तो एक्स को हम लोगों ने क्या माना, यूनिट डिजिट माना, ठीक है। एक्स का वैल्यू यूनिट डिजिट में अगर टू हो रहा है, थ्री हो रहा है, सेवन हो रहा है, एट हो रहा है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, ये एक्स का वैल्यू अगर टू थ्री सेवन एट हो रहा है और इसका पावर अगर एन है, तो हमेशा एन डिवाइडेड बाई फोर होगा, ठीक है, एन डिवाइडेड बाई फोर होगा। तो क्यों होगा एन डिवाइडेड बाई फोर, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर एन डिवाइडेड बाई फोर हो रहा है, एन डिवाइडेड बाई फोर हो रहा है, ये जो पावर आएगा वो उसको हम चार से डिवाइड करेंगे, तो अगर चार को चार से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर रिमाइंडर इज वन, देन एक्स का पावर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। इफ रिमाइंडर चार से डिवाइड करेंगे तो जीरो वन टू थ्री देगा, ठीक है ना, तो रिमाइंडर जीरो वन टू थ्री देगा। तो रिमाइंडर इज अगर टू आ रहा होगा देन एक्स के पावर टू, मतलब क्या बोल रहा हूँ कि अगर इस फॉर्मेट में है, ठीक है, और एक्स का वैल्यू टू थ्री सेवन और एट है, तो एन का पावर कुछ भी हो उसको हम क्या करेंगे, फोर से डिवाइड करेंगे। तो फोर से डिवाइड करने करने के बाद रिमाइंडर अगर वन आ रहा है तो एक्स के पावर पे एन के जगह पे वन लिखेंगे, रिमाइंडर पे अगर टू आ रहा है तो एक्स के जगह पे एक्स के पावर जो एन है एन में टू लिखेंगे, अगर रिमाइंडर इज थ्री, अगर थ्री आ रहा है देन एक्स के पावर पे थ्री लिखेंगे, अगर रिमाइंडर जीरो आएगा क्योंकि फोर से डिवाइड करेंगे तो वन टू थ्री देगा, उसके बाद फोर जीरो दे देगा, तो जीरो आएगा देन क्या हो जाएगा, एक्स के पावर फोर देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी क्वेश्चन है कि एन को फोर से ही क्यों डिवाइड करेंगे, ठीक है, एन को फोर से ही क्यों डिवाइड करेंगे, तो फोर से क्यों डिवाइड करेंगे, ये देखिए, अभी डायरेक्ट ले लेते हैं, छोटा सा लेते हैं, टू के पावर वन क्या हो जाएगा, टू, टू के पावर टू क्या हो जाएगा, फोर, टू के पावर थ्री क्या हो जाएगा, एट, टू के पावर फोर क्या हो जाएगा, सिक्सटीन, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिक्स, ठीक है, टू के पावर फाइव क्या हो जाएगा, थर्टी टू, तो क्या आ जाएगा, टू, टू के पावर सिक्स क्या हो जाएगा, सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर का आंसर क्या जाएगा, फोर, टू के पावर सेवन क्या हो जाएगा, वन ट्वेंटी एट आंसर एट, टू के पावर एट क्या हो जाएगा, टू फिफ्टी सिक्स आ गया। अभी देखो, ये देखो, टू फोर एट सिक्स रिपीट हो रहा है, कितने बार के बाद रिपीट हो रहा है, चार चार के बाद रिपीट हो रहा है, अगर तुम थ्री का भी लोगे तो वही होगा, ठीक है, थ्री टू द पावर वन, थ्री, थ्री स्क्वायर नाइन, थ्री क्यूब ट्वेंटी सेवन, तो इसका सेवन आएगा, थ्री टू द पावर फोर एट्टी वन क्या देगा, वन, थ्री टू द पावर फाइव क्या देगा, टू फोर्टी थ्री, थ्री आएगा, थ्री टू द पावर सिक्स क्या आ जाएगा, सेवन ट्वेंटी नाइन, तो नाइन आ रहा है, तो देखो ये भी रिपीट हो रहा है, थ्री नाइन सेवन वन, ठीक है, फिर थ्री नाइन, फिर आएगा सेवन वन, तो ये कितने बार के बाद बार बार रिपीट हो रहा है, चार चार साइक्लिसिटी के बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है, एक साइक्लिसिटी है जो ये रिपीट हो रहा है, मतलब चार डिजिट के बाद ये फिर से रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम एन को फोर से डिवाइड करते हैं, ठीक है,
समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो 4 का 7 का भी वही है और 8 का भी वही है, ठीक है, समझ में आ गया सभी को? तो हम एक्स टू द पावर एन है, एन को अगर देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा फिर से पूछना कमेंट सेक्शन में भैया, फिर से आपको रिपीट कर दूंगा, किसी भी वीडियोस में आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो अगर हम लोग के पास क्या है, 0 यूनिट एक्स में, इस एक्स पावर में मतलब 2 3 4 5 6, 2 3 0 2 4, यहाँ पे एक्स है 6 और ये जो नंबर है ये है एन, ठीक है, ये समझ समझ लेना पहले एक्स कौन सा है, ठीक है, ये एक्स है, ठीक है, पूरा 2 3 4 5 6 को भी एक्स मान सकते हो, लेकिन उसका फायदा नहीं है, फिर एक्स को मानोगे, फिर एक्स का यूनिट डिजिट करोगे, तो इसको ही मान लो एक्स, डायरेक्ट 6 को, अगर 6 में 0 1 2 3 4 5 6 8 है, 8 9 है, तो इसमें कैसे करेंगे, तो पहले हम लोगों ने देखा 0 1 5 6 होने से एक्स में, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन है तो एन में किसी भी वैल्यू हो तो आप लोगों को आंसर 0 1 5 6 ही देगा, तो हम लोगों ने एग्जाम्पल्स भी लिया, तो फिर हम लोगों ने देखा कि 4 और 9 होने से क्या हो जाएगा, ठीक है, एक्स में 4 और 9 होने से क्या हो जाएगा, एक्स में, तो एक्स में 4 होने से उसका पावर देखेंगे, अगर इवन है तो 6 आएगा और ऑड है तो 4 आएगा, ठीक है, अगर 9 है, 9 का इवन पावर है तो 1 देगा और 9 का ऑड पावर होगा तो 9 देगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे केस थर्ड में कि अभी जो रह गया 2 3 7 8, अगर एक्स के पावर में, एक्स में अगर 2 3 7 8 आ रहा है यूनिट डिजिट में, तो एन को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो एक्स का पावर 1 हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो एक्स के पावर 2 हो जाएगा, रिमाइंडर 3 आएगा तो एक्स के पावर 3 हो जाएगा, और रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा, तो ये करने से आप लोगों को ईजी हो जाएगा, तो हम कुछ क्वेश्चन करते दो तीन तो आप लोगों को और भी क्लियरिटी आ जाएगा, ठीक है। अभी मानो फॉर एग्जाम्पल 4 3 7 का पावर 7 5 4 है, ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है, 7 है, तो 7 होने से हम लोगों ने क्या देखा, 2 3 7 8 को ये पावर को एन 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये एक्स है, एक्स एक्स, तो 7 को हम 7 लिखते हैं, तो 4 से डिवाइड करने के बाद अभी यहाँ पे देखो डिविजिबिलिटी कंसेप्ट कैसे काम आता है, अभी 7 5 7 5 4, तो 4 का डिविजिबिलिटी क्या था, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4, यही था, ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी हमेशा याद रखना, ठीक है, कहीं पे भी काम होता है। अभी अगर मान लो यहाँ पे तीन तीन संख्या है, आप डिवाइड कर दोगे कि 7 5 4 को 4 से डिवाइड कर दोगे, 4 1 जो 4, फिर 3 5, 4 8 जो 32, 34, 4 8 जो 34, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2, तो एक्स के पावर 2 हो जाएगा, 7 के पावर 2 हो जाएगा, 7x है तो 7 से 49, तो आंसर इज 9, ठीक है, हमेशा यूनिट डिजिट लेना, ठीक है। अब अभी मान लो यहाँ पे 7 4 9 2 8 7 कुछ भी बहुत बड़ी संख्या होगा, तो 4 से डिवाइड करने में बहुत टाइम लग जाएगा ना, तो तभी 4 का डिविजिबिलिटी काम आएगा, लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड बाई 4, यही है खासियत कि एक दूसरे को आप कैसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अभी ये 4 का डिविजिबिलिटी काम आएगा, मैंने लास्ट क्लास में बताया कि 4 का डिविजिबिलिटी क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4, ठीक है, तो इसी इसी से ही आप सीखोगे कैसे निकलता है, ठीक है। और एक एग्जांपल देते हूँ मैं, आप लोग ट्राई करिएगा, 2 1 3, बहुत इजी दे रहा हूँ, 6 क्या होगा इसका पावर, 6 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, इसका एक्स का वैल्यू क्या है, 3, तो 3 लिखेंगे और 6 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा रिमाइंडर, रिमाइंडर हमेशा 2 देगा, ठीक है, 4 1 4 2 देगा, तो 6 9 3 2 इक्वल टू 9, आंसर इज 9, ठीक है। अभी और एक एग्जांपल लेता हूँ, 22 ऊपर 7 1 7 3, ठीक है, तो 1 7 3 2 एक्स में क्या है, 2 है, तो 2 3 3 पावर 1 7 3, ऐसे भी आप लिख सकते हो, अलग अलग करके भी अगर आप लिख ले रहे हो तो आपका फायदा ही होगा, क्योंकि आप कंफ्यूज कम होगे, ठीक
तो 173 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे क्या होगा? 4 4 जो 16, 13 ये रिमाइंडर 1 आएगा, 4 3 जो 12 तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो 2 to the power 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये छोटा छोटा है, थोड़ा बड़ा लेते हैं कैसे, 17 का पावर 71, ठीक है, इंटू 36 का पावर 63 इंटू 23 पावर 65। अभी देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या क्या है, एक का है 7, एक का है 6, एक का है 3। तो हम लोग 7 और 3 का निकलना है, 6 का निकलने का जरूरत नहीं है। हम लोगों ने फर्स्ट केस में हम लोगों को देखा था कि 0 1 5 6 होने से डायरेक्ट आप 6 लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप 7 to the power 71 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 3 to the power 65। अभी 4 से डिवाइड करो 71 और 65 को, तो 71 को अगर 4 से डिवाइड कर रहे हो हम, तो क्या होगा, 4 1 4 31, 7 4 28, रिमाइंडर क्या आ रहा है 3, तो 7 3 इंटू 6 इंटू 3 to the 65 है, 65 को 4 से डिवाइड करने से क्या आ जाएगा, चौबीस, ठीक है, तो 1 आएगा, तो 3 to the power 1, तो 7 3 क्या हो जाएगा, 7 into 7 7 3 7 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 बार मल्टीप्लाई करने से 7 7 49, 49 into 7, तो यूनिट डिजिट को तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 63, तो आंसर इज यहाँ पे 63 आएगा, ठीक है, आंसर यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 आएगा, तो 6 into 3, तो 3 3 9, या फिर 3 3 9, 9 6 54, 54 आंसर इज 4। ठीक है, हम लोगों को सिर्फ यूनिट डिजिट निकलना है, हम लोगों को सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, किसी और चीज़ से मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसे भी जैसे 7 7 49 है तो 4 को इग्नोर मारो, 9 को पकड़ो, 9 और 7 मल्टीप्लाई करो, 63 है, 63 में 6 को इग्नोर मारो, 3 लिख दो डायरेक्ट। ठीक है, ऐसे करते करते आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया। ठीक है, जैसे अभी 36 to the power 63 था, तो अभी 6 का हम लोगों को पता ही है। ठीक है, तो फटाफट आप लोग इसे समझ समझ के कर लीजिएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, और दो तीन एग्जांपल लेते हैं, नहीं आप लोग ट्राई कीजिएगा घर में, मैं दो एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूँ। ठीक है, 4 6 4 to the power 1793 इंटू कमेंट सेक्शन में बताना, 615 to the power 317, ये वाला और 5 3 8 7 to the power 2 4 5 इंटू ये 5 है हाँ, इंटू 2 2 1 to the power 72, ये वाला करना। ठीक है, अभी सिंपल वाला, सिंपल कुछ लेते हैं, सिंपल कुछ करते हैं क्वेश्चंस यूनिट डिजिट का, जैसे मान लो आपका हो गया 3 into 38 into 537 into 3256। अभी इसमें हम लोगों को ऐसे सिंपल दे देगा, अब यहाँ पे तो पावर नहीं है, इसमें पावर का कुछ मतलब ही नहीं है, उसका भी कंसेप्ट का कुछ मतलब है, सिर्फ आप यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, सिर्फ आप ये जो यूनिट डिजिट है इसका अलग करके भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर कन्फ्यूज़ होता है तो 3 into 8 into 7 into 6, अभी मल्टीप्लाई करो, 8 3 24 into 42, अभी इसको यूनिट डिजिट को करो, 4 2 8, तो आंसर इज 8।
ठीक है, अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करो, प्लस है तो प्लस करो, माइनस है तो माइनस करो, डिवाइड है तो डिवाइड करो, कुछ भी हो आप सिर्फ यूनिट डिजिट लिखेंगे, ठीक है, कुछ भी हो आप यूनिट डिजिट लिखेंगे। अभी अभी मान लो यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया 3 + 4 × 38 + 3 + 4 − 2, ऐसे अगर दे रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, पहले जैसे हम लोग सिमुलेशन का किया था ना, वर्डमास का फॉर्म जो वर्डमास का जो नियम है वो फॉलो किया था, तो इसमें पहले गुना करना, ठीक है, तो 8 × 4 = यूनिट डिजिट करना, तो 3 + 8 × 4 = 32 + 34 − 2, तभी हम लोगों सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, ठीक है, तभी लिख लो 3 + 2 + 4 − 2, तो +2 − 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 + 3 + 4 + 3 होगा 7, ये है यूनिट डिजिट। तो आशा करता हूँ आप सभी को यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है, यही है यूनिट डिजिट कंसेप्ट 1 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, दो क्वेश्चंस ही आप लोग घर पे ट्राई करेंगे, ठीक है। अभी हम 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर देखेंगे, ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए 2 डिजिट कंसेप्ट। 3 डिजिट कंसेप्ट नहीं चाहिए, आप लोगों को सिर्फ बता दूंगा, सिर्फ हम लोग 2 डिजिट का ही दो क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस देखेंगे। वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से कहाँ तक, 99 तक, ठीक है, 10 से लेकर 99 तक क्या है, 2 डिजिट है, ठीक है, तो 2 डिजिट ये 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 डिजिट जो है उसको क्या लिख सकते हैं, टेन को हम ये लिख सकते हैं 10 से लेकर 99 तक है, ठीक है, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को 10 × 1 + 0 ये लिख सकते हैं, ठीक है, 11 को क्या लिख सकते हैं, 10 × 1 + 1 ये लिख सकते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं, 10 × 1 + 2 ये लिख सकते हैं, तो 20 अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 × 2 + 2 ए +0 ये होगा। तो ये जो फॉर्मेट है ये क्या है, ये जो फॉर्मेट है वो किसका फॉर्मेट है, 10x + y का, ठीक है, 10x + y, तो 2 डिजिट में फॉर्मेट होता है 10x + y, ठीक है, और ये जो 10 है ये क्या है, एक्स वाई है, ठीक है, ये है 2 डिजिट। 3 डिजिट में क्या होगा, XYZ होगा, ठीक है, तब इसका फॉर्मेट कैसे लिखेंगे, 100X + 10Z + 10Y + Z, ये होगा 3X का। लेकिन 3 का ज़्यादा, 3 डिजिट का ज़्यादा पूछता नहीं है, हम लोग सिर्फ 2 डिजिट पे फोकस करेंगे, क्योंकि जो पूछता नहीं है उसमें टाइम वेस्ट ना करने से ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो आप, अगर मैं आप लोगों को बता दिया, ताकि आप लोगों को अगर क्वेश्चंस मिलता है, अगर बाई चांस पता नहीं है अभी एग्जामिनर का जो मूड है वो कैसा है, ठीक है, तो एग्जामिनर का मूड अगर खराब होगा तो 3 डिजिट या दे देगा, तो ऐसे 100X + 10Y + Z करके आप लोग करिएगा, ठीक है। अगर 2 डिजिट का पता है तो आप लोग पता है एक्स वाई होगा, तो उसमें एक्स वाई क्या होगा, वाई यूनिट डिजिट होगा, ठीक है, और एक्स क्या होगा, 10th, 10th डिजिट, समझ में आ गया, तो फॉर्मेट समझ में आ गया, 10X + Y, ये वाला जो मैंने एग्जांपल देके आप लोगों को समझाया। अभी 2 डिजिट कोई भी उठा लो, मान लो 60, तो 60 को क्या लिखेंगे, 10 × 6 + 0, 66, 10 × 6 + 6, यही होगा किसी को, तो यहाँ पे एक्स क्या होगा, 6, और वाई भी 6 ही होगा, ठीक है, यहाँ पे एक्स 6 और वाई 0, ठीक है, ये
समझ में आ गया सभी को। तो अभी अभी मुद्दा है, अभी क्या मसला है कि 10x क्लास वाई तो दे दिया, तो अब हम लोगों को क्वेश्चंस क्या पूछेगा? तो क्वेश्चंस ये पूछेगा कि 10x प्लस वाई, तो आप लोगों को बोलेगा नहीं, आप लोगों को पता पूछेगा कि अगर टू डिजिट नंबर, ये मतलब टू डिजिट नंबर है ये, अगर इसको रिवर्स करते हैं तो इसका डिफरेंस ये आ रहा है, तो वो टू डिजिट नंबर क्या है, या फिर कितना टू डिजिट नंबर हो सकता है, ऐसे कुछ आएगा। हम क्वेश्चंस करेंगे अभी, ठीक है? तो जब भी टू डिजिट नंबर, जैसे मान लो टू डिजिट नंबर जब वो होता है, रिवर्स होता है या फिर एक्सचेंज होता है, डिजिट इंटरचेंज होता है, ठीक है? तो टू डिजिट नंबर क्या है, एक्स एक्स वाई है, तो डिजिट इंटरचेंज होने से क्या हो जाएगा, वाई एक्स, यही तो होगा। तो एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई, ठीक है? तो ये वाई एक्स क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स, यही होता है। सिर्फ तुम लोगों को ये याद रखना कि 10xy को उल्टा करने से y, तुम वो xy की जगह ab भी मान सकते हो, ठीक है? ab भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन ये टू डिजिट होना चाहिए, ठीक है? तो मैं xy करके पकड़ रहा हूँ ताकि ये ज़्यादा इजी लगता है। तो xy को अगर इंटरचेंज कर रहा है या फिर उल्टा कर रहा है, इंटरचेंज कर रहा है, तो yx हो जाएगा। तो एक्स को, एक्स वाई को क्या लिखते हैं, 10x प्लस वाई लिखते हैं, तो वाई एक्स को 10y प्लस एक्स लिखते हैं। तो इफ टू डिजिट आर इंटरचेंज, ठीक है, अगर टू डिजिट आर इंटरचेंज हो रहा है, तो पहले क्या था, ओरिजिनल ओरिजिनल एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई 10x प्लस वाई, तो इंटरचेंज करने से वाई एक्स हो जाएगा, 10y प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है? तो ये ओरिजिनल नंबर है और ये इंटरचेंज करके करने के बाद का नंबर है, आफ्टर इंटरचेंज नंबर, ठीक है? समझ में आ गया कैसे इंटरचेंज होता है टू डिजिट कंसेप्ट में, ठीक है? टू डिजिट कंसेप्ट या आप लोगों को समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट हो प्लीज आप लोग बताइएगा, ठीक है? तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इफ टू डिजिट नंबर आर इंटरचेंज, ठीक है, अगर टू डिजिट नंबर आर इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है, तो डिफरेंस निकलना है, तो डिफरेंस क्या होगा, फाइंड डिफरेंस, डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, देयरफॉर न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर, ठीक है? तो न्यू नंबर क्या है, 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई, यही होगा। या फिर आप ओरिजिनल नंबर अगर बड़ा है तो ओरिजिनल नंबर माइनस न्यू नंबर भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है उसमें, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9x माइनस 9y, तो क्या रह जाएगा, 9 कॉमन लेते हैं तो x माइनस वाई ये रह जाएगा, ठीक है? या फिर एक्स वाई माइनस एक्स 9 × y माइनस एक्स, ये रह सकते, ठीक है? तो अभी क्वेश्चंस करते हैं तो आप लोगों को समझ में आ गया कि क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, ठीक है? चलो टू डिजिट नंबर, ठीक है, टू डिजिट नंबर व्हेन वी इंटर चेंज
डिजिट, एक दो डिजिट नंबर है, जब हम इंटरचेंज करते हैं दोनों डिजिट को, द नंबर डिक्रीजेस बाय 36, ठीक है, द नंबर डिक्रीज बाय 36। तो डिक्रीज माने मतलब क्या, माइनस हो गया, ठीक है, जब ये डिक्रीज हो गया, कम हो गया, लेस हो गया, तो हमेशा याद रखना माइनस हो रहा है, ठीक है, जब मोर हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तब प्लस हो रहा है, तब क्या होगा, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स, ठीक है, तब 11x प्लस 11y होगा, 11 कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे कर लेते हैं, तो अगर मोर देन, ठीक है, मोर देन इंक्रीजेस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा, 11x प्लस 11y, तो 11 कॉमन लेने से एक्स प्लस हुआ, तो मोर देन लेस देन होने से ये करना, और मोर देन इंक्रीज हो रहा है तो ये करना, 11x प्लस y, और लेस देन होने से वो करना, ठीक है, डिक्रीजेस बाय 36। हाउ मेनी नंबर पॉसिबल, कितना नंबर पॉसिबल है ऐसे करने से, हाउ मेनी, क्योंकि दो डिजिट नंबर कहाँ से, 10 से लेकर 99 तक है, तो उसी में से होगा, तो हाउ मेनी नंबर आर पॉसिबल, ठीक है, तो कितना नंबर पॉसिबल होगा, तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है, टू डिजिट नंबर, हम टू डिजिट नंबर को एक्स वाई पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो एक्स वाई, टू डिजिट नंबर के एक्स वाई, तो नंबर हुए इंटरचेंज, अगर इंटरचेंज करने से क्या हो जाएगा, वाई एक्स, ठीक है, वाई एक्स हो जाएगा, तो 10x, 10 एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई, और वाई एक्स क्या लिख सकते हैं, 10y प्लस एक्स, तो डिक्रीजेस लिखा ना, तो ये माइनस होगा, ठीक है, तो 10x प्लस वाई माइनस 10y, यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस के साथ प्लस मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस देगा, एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है, डिक्रीजेस बाय 36, 36 आ रहा है, तभी 10y से, चलो 10x से माइनस एक्स जाएगा तो 9x, ठीक है, माइनस 10y से y चला जाएगा तो 9y इक्वल टू 36। अभी 9 कॉमन लेते हैं, एक्स माइनस वाई, दोनों में 9 9 है तो मल्टीप्लाई में है तो कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में कॉमन ले, तो अभी ब्रैकेट उठा देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9x माइनस 9y हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 36 देगा, तो एक्स माइनस वाई 9 इधर मल्टीप्लाई है, इक्वल साइन के इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपका डिवाइड हो जाएगा, तो 36/9, तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस वाई क्या दे देगा, 4, ठीक है, तो कितना नंबर पॉसिबल है, तो ओरिजिनल नंबर क्या था, एक्स वाई, ठीक है, यहाँ पे एक्स माइनस वाई हमेशा 4 होना चाहिए, तो एक्स माइनस वाई हमेशा 4 होना चाहिए, ठीक है, तो एक्स के जगह पे क्या बैठा है, जो वाई वाई से बड़ा होगा, क्योंकि ये एक्स पॉजिटिव में है, तो एक्स से यहाँ पे 9 बिठाएंगे, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 8 बिठाएंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7 बिठाएंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 बिठाएंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 बिठाएंगे, तो 6 2 और 5 बिठाएंगे 1 होगा, 4 बिठाएंगे 0 होगा, ठीक है, तो ये सारा जो पेयर है वही क्या होगा, पॉसिबल होगा, ठीक है, इतना सारा पेयर पॉसिबल होगा, तो आंसर क्या होगा, 6 पेयर, ठीक है। अभी देखो आप लोगों को क्या मतलब कैसे पता चलेगा, ठीक है, ये जो अभी 9 माइनस 5 करने से 4 आ रहा है, 8 माइनस 4 करने से 4 आ रहा है, तो ये 9 माइनस x माइनस y करने से 36, मतलब x माइनस जो ये है 84, यहाँ पे नंबर क्या आ रहा है, यहाँ पे 95 आ रहा है, ठीक है, फिर 84 आ रहा है, फिर 73 आ रहा है, फिर यहाँ पे 62 आ रहा है नंबर, 51 आ रहा है, 40 आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ देखो, टू डिजिट नंबर हुए डिजिटल इंटरचेंज, अगर डिजिट को इंटरचेंज करते, ये डिजिट अगर इंटरचेंज करते क्या होगा, 59 होगा, तो इसका डिफरेंस देखना 36 आ रहा है कि नहीं, इसका डिफरेंस देखना 48 का 36 आ रहा है कि नहीं, ठीक है, इसका डिफरेंस देखना 37 का 36 आ रहा है कि नहीं, 26 का 62 के साथ 36 आ रहा है कि नहीं, ठीक है, 51 का 15 के साथ 36 आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे नीचे 51 से 15 जाने से 36 आएगा, 40 से
जीरो फोर माइनस करने से देखना 33 आ रहा है कि नहीं, तो यही आंसर है। ठीक है, ये है काउंटर आपका चेक, काउंटर चेक। ठीक है, तो आप लोग ऐसे करिएगा, डिक्रीजेस दिया हुआ तो इसे माइनस करके करिएगा, और यहाँ पे एक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर लिखना, फिर नंबर्स बिठा के जाना, फिर जो बड़ा है बड़ा लिख के जाना और चेक कर लेना। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया। ठीक है, टू डिजिट नंबर, ठीक है, थ्री डिजिट नंबर मैंने बताया आप लोगों को उतना, तो ऐसे ही पूछेगा आप लोगों को। मैं और एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूँ, आप लोग घर पे ट्राई करिएगा तो आपको क्लैरिटी ज़्यादा आएगा। ठीक है, एनी टू डिजिट नंबर इफ, कमेंट सेक्शन में बताना ये सॉल्व करके। ठीक है, इफ डिजिट आर इंटरचेंज कैट 36, 36 नहीं 54 लिख, 54 एक्स्ट्रा फ्रॉम ओरिजिनल नंबर। ठीक है, 54 एक्स्ट्रा फ्रॉम ओरिजिनल नंबर, देन हाउ मेनी नंबर आर पॉसिबल। ठीक है, यप, ओरिजिनल नंबर हाउ मेनी नंबर आर पॉसिबल। ठीक है, तो ये करना, करके आप कमेंट सेक्शन में आपका आंसर बताना। ठीक है, आप सब आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया है यूनिट डिजिट कंसेप्ट और ये टू डिजिट वाला कंसेप्ट। ठीक है, टू डिजिट का कंसेप्ट पूछता है एग्जाम में तो, और थ्री डिजिट का इतना मैंने नहीं देखा अभी तक, एक दो क्वेश्चन देखा, लेकिन इतना हाई लेवल अगर CGL का हो, CHSL का उसमें देख सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे एग्जाम्स में इतना नहीं पूछता क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछना होता है। तो फिर भी मैं बता दिया, अगर किसी को डिटेल में चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पूछ देना, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, थ्री डिजिट वाला, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो चाहिए होगा। ठीक है, तो चलो फिर ये रखते हैं वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया, और आप आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, एग्ज़ाम्स जो भी है, एग्ज़ाम्स आप अटेम्प्ट करने वाले हैं तो उसके लिए सीरियसली प्रिपरेशंस कर रहे हो, और टाइम वेस्ट मत करना, अच्छे से पूरा फोकस अपना शार्प करो, अच्छे से प्रिपरेशन को अपना जो 100% है वो दो, देखना रिजल्ट हमेशा आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, कभी भी गिव अप मत करना, समटाइम्स नॉट गिविंग अप इज मोर इम्पोर्टेंट देन विनिंग। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि विनिंग से ज़्यादा नॉट गिव अप नहीं करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, गिव अप मत करना, लगे चाहे तुम हार जाओ, चाहे तुम कुछ भी हो, रिजल्ट कुछ भी हो, तुम गिव अप मत करना, फाइट करते रहना, फाइटिंग स्पिरिट अपने अंदर रखना। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक अगर आपने वीडियो देख लिया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इससे अच्छे से वीडियोज़ के लिए आप हमें फॉलो करते रहे, और बाकी जितने भी आपके दोस्त भाई बहन हैं सबको, सबके साथ शेयर करें, क्योंकि उनको भी फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, अगर कंटेंट अच्छा है तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड हैव ए नाइस डे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।